हेई दिस इज कामेल एंड यो वॉचिंग कैम डिजाइन हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है अपने ऑटो कैड में ऑफसेट तक देख लिया है ठीक है तो इस क्लास में हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होगी एनोटेशन में जिसमें हम टेक्स के बारे में जानेंगे और डायमेंशन के बारे में ठीक तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबाना ना भूलें टू गेट ट्रिपल टी टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल So without any further delay let's get started with this video. Welcome to AutoCAD 2022. हमने कहाँ तक देख लिया था हमने ऑप्शन तक देख लिया है प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देख लें आपको आई बटन पे मिल जाएगी वो वीडियो ओके okay? तो अब हमारी जो बच रहा है वो बच रहा है टेक्स्ट डायमेंशंस और अभी बहुत सारी चीजें बच रही हैं तो अपन क्या देखेंगे पहले टेक्स्ट देखेंगे ठीक है टेक्स्ट में हम क्या देखेंगे जैसे टेक्स्ट पे हम क्लिक करें टेक्स्ट पे हम क्लिक करें तो इसमें मल्टी लाइन सिंगल लाइन टेक्स्ट तो मल्टी लाइन टेक्स्ट है तो चलिए मल्टीलाइन टेक्स्ट हम पहले उठाते हैं अब फर्स्ट कॉर्नर बोल रहा है कि फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करिए किया हमने और उसके उसके बाद सेकंड कॉर्नर देखिए इसमें और भी चीजें दी हैं कि आप हाइट भी दे सकते हैं जस्टिफाई कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग रोटेशन वगैरह इस तरह से भी दे सकते हैं तो मैं डायरेक्ट सेकंड कॉर्नर यहां दिया अब मैं इस पर करता हूं कैम इंटर डिजाइन ठीक है ये मैंने कर दिया अब हमने ये तो कर दिया अब उसके बाद हम लेते हैं सिंगल लाइन अब सिंगल लाइन में क्लिक किया उसके बाद टेक्स्ट हाइट ऑलरेडी इसने ले रखी है ठीक है अगर आप कुछ प्रोवाइड करेंगे तो उसी पे चलेगा वो अभी तो इसने ले रखी है ठीक तो ये हमने किया एंगल पूछ रहा है एंगल तो हम जीरो ही रखेंगे ठीक है अब इसमें हम टाइप करते हैं कैम डिजाइन ठीक तो ये तो हमने दो टाइप कर लिया अब यहां पे देखने वाली बात है ये तो हमने हाइट ज्यादा दी थी इसलिए बड़ा होया हुआ है अब इसमें डिफरेंस क्या है अभी मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जा रहा है ठीक और अगर मैं अभी सिंगल लाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं तो जो अलग अलग हैं लाइन इंटर दबाए मैंने वो दोनों अलग अलग हैं ये अलग ये अलग ये अलग है और ये अलग है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट में मेजर यही डिफरेंस है ठीक बाकी किसी एंगल पे लाइन खींचना हो तो आप एंगल रोटेशन वगैरह सारी चीजें दे सकते हैं ठीक है तो चलिए हम एक तरह एक उस तरह से भी देखते हैं तो हमने लाइन पॉइंट स्पेसिफाई किया हाइट हम दे देते दे हैं इसकी दो ठीक उसके बाद एंगल दे देते हैं फोर्टी फाइव अब ये दो हाइट का टेक्स्ट फोर्टी फाइव एंगल पे खींचेगा हम टाइप करते हैं कैम डिजाइन ठीक तो ये यहां से एंगल फोर्टी फाइव बनाएगा ना ये इस तरह से तो फोर्टी फाइव एंगल पे लाइन खींच गई करना इसमें सिंपली से कुछ नहीं है बस आपको वही करना है कि आप टेक्स्ट लीजिए एम टी से मल्टी लाइन टेक्स्ट आएगा और टी दबाएंगे तो केवल टेक्स्ट ये आएगा एम टी से मल्टी लाइन टेक्स्ट आता है और अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट चाहिए तो आपको पूरा टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा ठीक तो ये तो हमने सारी चीजें देख ली अब हम इसमें इसको एडिट करना देखेंगे जैसे हमें कलर लगाना हो या इसका फॉन्ट चेंज करना हो या इसको इटैलिक करना हो या अंडरलाइन करना हो बोल्ड करना हो ये सारी चीजें तो इसपे किसी भी इस पे क्लिक करिए डबल ठीक है अब जैसे अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट पे तो इस टेक्स्ट में दिक्कत यह है कि आपकी जो आपने स्टार्टिंग में हाइट वगैरह दे रखी थी सिंगल लाइन टेक्स्ट में वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है ठीक है अब जैसे अगर मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट की बात करूँ इसको अभी इस पर मैं डबल क्लिक करूँ ठीक तो ये इस तरह का उत, खुल के चला आएगा एडिट करने के लिए पूरा ठीक है ये मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए आएगा मगर सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये नहीं खुल के आएगा ठीक है ये नहीं खुल के आएगा अब अगर हम टेक्स्ट एडिट करते हैं एम टी एडिट ठीक सिलेक्ट टेक्स्ट चेक क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो अब आप देख रहे हैं अगर हम एम एम एडिट कर रहे हैं सिलेक्ट कर रहे हैं नीचे देखिएगा क्या लिख के आ रहा है इट इज नॉट एम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ठीक है तो ये कैन नॉट बी एडिटेड तो इसको हम एडिट नहीं कर सकते सिंगल लाइन टेक्स्ट को इसको हम बस अपना कंटेंट एडिट कर सकते हैं इसमें हमने एम टाइप किया था हम इसमें पी टाइप कर दें क्यू टाइप कर दें बस इसके अलावा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हम मगर हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लेंगे तो हम इसमें जितने भी चाहें उतने चेंजेस कर सकते हैं इजिली ठीक है तो ये बहुत बहुत वो मेजर डिफरेंस है इसके बीच का कि लाइन टेक्स्ट में हम एडिट कर सकते हैं और सिंगल लाइन टेक्स्ट में इस तरह एडिट नहीं कर सकते तो चलिए हमें वैसे भी जरूरत मल्टी लाइन टेक्स्ट की पड़ती है सिंगल लाइन टेक्स्ट की वैसे जरूरत पड़ती है यहां जैसा यूज हो तो इसको हमने क्लिक किया अब मान लीजिए इसकी हाइट हमको कम करनी है तो इसको पूरे को सेलेक्ट करिए और यहां से इस पर आइए पॉइंट फाइव कर दीजिए तो जितना आप चेक करेंगे उसकी हाइट कम हो गई साइज अब ये मास्क क्या है इसके नीचे मास्क क्या है अब मास्क ये है कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर आप दिखा रहे हैं टेक्स्ट को और उस टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है ठीक कलर से भी हाईलाइट कर सकते हैं मगर आप चाहते हैं कि वो एकदम हाईलाइट एक बॉक्स के रूप में वो टेक्स्ट लिखा हो हेडिंग की तरह वो लिखा हो ठीक तो अगर मार्क्स हम करेंगे तो यूज बैकग्राउंड मास्क अब बैकग्राउंड में क्या है हमारा रेड तो अभी अगर हम ओके okay करते हैं तो इसके पीछे रेड आ जाएगा ठीक है पूरे टेक्स्ट पे रेड आएगा जितना हमारा मल्टी लाइन टेक्सट है उस पर पूरे पे रेड आ जाएगा ठीक तो इसको हम छोटा कर सकते हैं इस तरह से ये हमारा हो गया अब मान लीजिए कोई और कलर चाहिए फॉर द एग्जाम्पल मास के लिए हमें कोई और कलर चाहिए हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं ओके OK कर दीजिए ठीक अब इसके अलावा आप यहाँ से इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं अब यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं इटैलिक कर सकते हैं ये मार सकते हैं लाइन इस पे टेक्स्ट पे कैप लगा सकते हैं इस पर और इसके सफिक्स पे लगा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हैं अब इसका फोन भी चेंज कर सकते हैं आप जो आप चाहें फोन इसमें से डाल सकते हैं ठीक ये डाल दिया मैंने दूसरा फोन लेयर का कलर इसका चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का यहां से ठीक है तो ये हमने इतना टेक्स्ट कर लिया ठीक अब जस्टिफिकेशन क्या है जस्टिफिकेशन क्या है कि जिस टेस्ट आपके टेक्स्ट की लोकेशन कहा जिसे मैं अभी हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अभी मैं सेंटर में कर दूं सेंटर में आ गया मैं राइट में कर दूं राइट में घिसाक आएगा तो जहां पे भी आपको टेक्स्ट चाहिए वहां पे आ जाएगा अब बुलेट और नंबरिंग आप जानते ही हैं ठीक है तो आप बुलेट नंबरिंग यहां से अगर नंबरिंग लेंगे तो नंबर ये आ रहा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कोई इशू नहीं है अब लाइन स्पेसिंग अगर आप बहुत सी लाइन में काम करते हैं और दो टेक्स्ट के बीच में गैप चाहते हैं तो यहाँ से लाइन स्पेस आप इंक्रीज कर सकते हैं अभी तो वन टू वन की है दो बार मान लीजिए मैं चलिए इसको तो पहले और टाइप करता हूं इसको टाइप करता हूं डी जेड वाई एन ठीक अब हम स्पेसिंग बढ़ाते हैं ये देखिए ठीक है तो ये लाइन की स्पेसिंग क्लियर लाइन स्पेस कर दीजिए तो जितना डिफॉल्ट था उसे पे आ जाएगा अब ये सब सारी चीज़ें आपको पता ही हैं इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट में हैं अब यहाँ से डिक्शनरी भी है फाइंड की टेस्ट भी है ये सारी चीज़ें हैं कोई बहुत काम की नहीं है हमारे जनरली तो इसलिए हम इसमें अपना टाइम नहीं ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो इसको टेक्स्ट को हम वाइंड अप करते हैं तो टेक्स्ट में आप ये देख लीजिएगा टेक्स्ट में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं बताऊँ कि ना बताऊँ आपके पास सामने ये अनेटोशन है और स्टैंडर्ड है दो चीज़ें हैं ठीक देख रहे हैं एनोटेशन है और स्टैंडर्ड है एनोटेशन में जो डायमेंशनिंग ली थी समझ रहे हैं? अब होता क्यों है मैं इसको आपको यहां से समझाता हूं जब इसमें आएंगे आप तो आपकी टेक्स्ट अभी क्या है स्टैंडर्ड है, ठीक टेक्स्ट स्टाइल में आएंगे। अब यहां से अगर आप एनोटेशन लेंगे अब एनोटेशन की पढ़िए क्या लिखा है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टाइल ड्राइंग आइकन बिफोर स्टाइल नेम इंडिकेट दैट स्टाइल इज एनोटेट अब यह मैं क्या करूं सेट करण कर दू क्लोज करूं, तो एनोटेशन में क्या होता है ये आपको आपकी इसके अकॉर्डिंग साइजिंग देता है मतलब जैसे आप जिसकी पर्टिकुलर उस पे काम पर काम कर रहे हैं जैसे मैंने अभी ये इतनी शीट ले रखी है अगर मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैं और छोटे पे काम करूँ या मैं और इससे बड़े पे काम करूं तो एनोटेशन उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट की साइज वगैरह सारी चीज़ें देता है हमको ठीक है हालांकि हम उसको एडिट कर सकते हैं एडिट में जाके। तो एनोटेशन यही करता है कि हमको उस पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग साइजिंग देता है जबकि स्टैंडर्ड जो हमारा करता है जो ऑटो कैट का स्टैंडर्ड साइज है स्टैंडर्ड बस उसी के अकॉर्डिंग देगा हम फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैंडर्ड में पाँच फीट है और हमारी शीट की साइज घट बढ़ रही है तो हमारी शीट की साइज घटने बढ़ने से स्टैंडर्ड की साइज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर अगर हमारा एनोटेशन मोड है तो हमारी सीज सीट की साइज़ घट रही है बढ़ रही है तो एनोटेशन उसके अकॉर्डिंग हाइट और टेक्स्ट की विथ उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है ठीक है तो ये मेजर डिफरेंस है तो वैसे कोई ख़ास जरूरत पड़ती नहीं है मैं और अगर आप को जानना होगा इसके बारे में डिटेल में नीचे कमेंट करिएगा मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी ठीक तो फिलहाल मैं इसको स्टैंडर्ड कर लेता हूँ स्टैंडर्ड हो गया है ये ऑलरेडी चलो इसको हम डिलीट करते हैं ठीक है एनोटेशन है इसको स्टैंडर्ड कर लीजिए ठीक अब हमारा ये टेक्स्ट हो गया अब डायमेंशन क्या है डायमेंशन के बारे में हमने पहले भी बात की है तो ये डायमेंशन क्या है दिमाग में आ रहा होगा ये डायमेंशन है स्मार्ट डायमेंशन कह लीजिए इसको ठीक है मतलब अगर आप सर्कल है आप सर्कल बनाइए ठीक आप एक रेक्टेंगल बनाइए ठीक अब इस इस डायमेंशन को अगर आप लेते हैं तो, आप तो अगर आप सर्कल लेंगे ठीक है तो ये सर्कल के अकॉर्डिंग देगा ठीक अगर आप इसकी डायमेंशन लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देगा अब ये उस पॉइंट से जहां तक मैं इसको एरो को लेकर जाऊंगा मतलब ये कॉन्टिन्यूस का भी काम करेगा मतलब समझ रहे हैं अभी मैं इसको डिलीट करता हूं कॉन्टिन्यूस के लिए बनाता हूं एक रेक्टेंगल लिया हमने ठीक अब हम एक लाइन खींचते हैं इसको बंद करो इसको ही एक्सप्लोड करते हैं एक्सप्लोड एक्सप्लोड किया हमने इसको सिलेक्ट किया ऑफसेट टेन ठीक या ऑफसेट टेन ना करके फिफ्टी करते हैं इसको सिलेक्ट किया ऑफसेट फिफ्टी ठीक फिफ्टी फिफ्टी अब हम इस डायमेंशन को लेते हैं एक बार यहां क्लिक करेंगे एक बार यहां क्लिक करेंगे ठीक है अब जैसे यही सेम चीज अगर हम यहां क्लिक करें और यहां क्लिक करें ठीक हो गया अब ये तो पॉइंट टू पॉइंट वाली बात हो गई अब जैसे अगर मैं सिर्फ लाइन पे क्लिक करू सिर्फ लाइन पे ले जाऊं ठीक ये आ गया ये आ गया देख रहे हैं तो इस तरह से इसको कह सकते हैं आप स्मार्ट डायमेंशन मतलब ये खुद ऑलरेडी डिटरमाइन कर लेता है कि किस तरह से कौन सी डायमेंशन आपको लेनी है ठीक है तो इसमें और कोई चीज है नहीं बस इसको आप लीजिए और अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर लेके जाइए वो उसको देखेगा क्या है वो रेडियस है कि आपका लाइन है क्या है पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा ठीक है? है, है तो अब जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है ये लीनियर और अलाइन एंगुलर ठीक है तो वैसे बता दूंगा ऐसे आप लोग को आइडिया हो गया होगा मगर मैं बता दूंगा और लीडर के बारे में ठीक तो इसके बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा टेबल के बारे में बता दूंगा मैं आपको ठीक है टेबल में कुछ वैसे जब हम बहुत लेंदी काम करते हैं तब तो काम आता है वैसे टेबल उसके बाद वन ऑफ तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आएगा लेयर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेयर तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक तो पहुंचाएं फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद